हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। चलिए इसको सील करते हैं, प्रूफ करते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a प्लस बी क्यूब है तो तीन बार लिख सकते हैं, राइट। उसके बाद हम लोग जस्ट इससे पहले हम लोग पढ़ा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो इसको हम इक्विवेलेंट हो सकता है, दो को इंटू है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर होगा, तो लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, क्योंकि ये तो इसके बराबर है। ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर है, तो उसका फॉर्मूला यहाँ लिख सकते हैं, राइट। उसके बाद हम लोग ऐसे जैसे प्रोसीड करते हैं इंटू करने का, तो प्रोसेस है इंटू कर देते हैं a a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी, फिर से इसको इंटू कर देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, राइट। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या आगे प्रोसीड करते हैं, इसके साथ इंटू होगा तो क्या होगा? ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर बी, ये तो यहां से इंटू किए तो ये मेरा आ गया। उसके बाद हम नेक्स्ट इंटू करके देखते हैं क्या होगा। ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यू प्लस टू ए बी स्क्वायर, यहां तक आ गए हैं। उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन सिमिलर टर्म है उसको एक जगह करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले ए क्यू प्लस बी क्यू को लिखते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं ए स्क्वायर बी और कहीं पे ए स्क्वायर यहां, तो ये क्या होगा? टू ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी इक्वल टू थ्री ए स्क्वायर बी। उसके बाद यहां देखते हैं टू ए बी स्क्वायर एंड ए बी स्क्वायर, तो ये प्लस हो जाएगा, क्या जाएगा? थ्री ए बी स्क्वायर। उसके बाद इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं, फॉर्मूला का फॉर्म दे देते हैं, तो क्या होगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसमें से कॉमन ले लेते हैं थ्री ए बी को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, उसका कौन क्या कॉमन आ गया? थ्री ए बी को कॉमन ले लेते हैं थ्री ए बी, तो क्या बचता है? यहां से ए बचेगा और यहां से बी बचेगा, तो ए प्लस बी, तो क्या मेरा फॉर्मूला आ रहा है यहां इसके बराबर? राइट, ये सिद्ध हो गया ए प्लस बी का क्यूब को हम लोग इस तरह से प्रूव कर। उसी प्रकार अब हम लोग देखते हैं सेवेंथ नंबर का a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू कितना होता है? इक्वल टू होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला। इसको अब हम लोग प्रूव करके देखते हैं कि इतना आता है, सिद्ध करते हैं क्या। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी, तो थ्री टाइम्स, तो थ्री टाइम्स इंटू होगा तो क्या आंसर आएगा? ए माइनस बी का होल क्यूब आएगा। अब हम लोग जानते हैं ये दोनों किसके बराबर होगा, ए माइनस बी का होल होल स्क्वायर, राइट। तो आगे बढ़ते हैं,
माइनस बी, अब इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए सी, राइट। बस अब सिंपल क्या करना है, इंटू कर देना है, इससे इसको इंटू कर देना है, राइट। ए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, राइट। अब हम सिंपल क्या कर देना है, इंटू कर देना है, और इजी है। तो क्या होगा यहां पे, ए क्यू प्लस ए बी स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी प्लस माइनस माइनस बी क्यू माइनस माइनस प्लस टू ए बी स्क्वायर, यहां तक आ गए। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लाइक टर्म को एक जगह अलग रखेंगे और सेपरेट करेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू। अब देखते हैं ए बी स्क्वायर, और कहेंगे ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर क्या है, प्लस में है, तो प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, क्यों, क्योंकि टू ए बी है यहाँ पे, ए बी है, टू ए बी प्लस वन ए बी स्क्वायर तो थ्री ए बी स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखते हैं ए स्क्वायर भी और कहीं है ना, यहीं पे है तो माइनस नहीं है, तो माइनस थ्री ए स्क्वायर बी, सब टर्म खत्म हो गए, राइट हो गए। इसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं, इसको फॉर्मूला का फॉर्म दे देते हैं, क्या होगा ए क्यू माइनस बी क्यू, इसमें से हम लोग माइनस थ्री ए बी को कॉमन ले लेते हैं, थ्री ए बी क्या आएगा यहां से बी, और यहां से ए, तो इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी। तो ये क्या फॉर्म यहां से मिलता जुलता है, राइट। तो ये हो गया ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। अब देखते हैं एट्थ नंबर वाला फॉर्मूला, उसको हम लोग सिद्ध करेंगे और देखते हैं क्या आता है आंसर। तो एट नंबर का फॉर्मूला क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यूब स्क्वायर टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। चलिए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं, राइट। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, इससे इंटू करेंगे, जैसे हम लोग पहले करते आए हैं उसी तरह अब भी करेंगे। क्या होगा ए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसके साथ बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, राइट। उसके बाद सिंपल इंटू करते हैं, क्या होगा ए क्यू ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, उसका इसको इंटू करेंगे ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यू माइनस ए बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, या फिर देखते हैं जो कैंसल होता है कटता है कटने लायक है उसको हम लोग काटेंगे, और जो रिमेनिंग बचता है उसको देखते हैं। ए प्लस बी का स्क्वायर और कहीं पे दिख रहा है, ए प्लस बी का स्क्वायर, ये पॉजिटिव है और नेगेटिव में है, क्या हो जाएगा कट जाएगा। उसके बाद ए स्क्वायर, ये दोनों यहां कट जाएगा, तो एटलीस्ट लास्ट में आंसर क्या आता है ए क्यू प्लस बी क्यू, जो यहां है हमको जो आंसर मिला क्या है ए क्यू प्लस बी क्यू, राइट। फॉर्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एम। इससे पहले हमने कवर किया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, उसी तरह इसको भी हम लोग कवर करेंगे ए माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आता है कि नहीं, या इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ये आता है राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं ए माइनस बी सॉल्व करते हैं तो इसका डायरेक्ट सिंपली क्या होगा इंटू कर देते हैं तो मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा क्या होगा ए से इंटू करेंगे इस पूरे को क्या होगा ए बी राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसको माइनस बी से पूरा टर्म्स को हम लोग इंटू करेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब हम लोग इंटू करेंगे नॉर्मली एज यूजुअल क्या होगा ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वायर माइनस में साइन माइनस में प्लस माइनस माइनस होता है माइनस बी प्लस फिर यहाँ क्या होगा प्लस माइनस माइनस बी क्यूब फिर प्लस माइनस माइनस ए बी स्क्वायर राइट। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कोई कटने वाला है तो काटें कैंसिल हो जाएगा देखते हैं ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव कर सकता है ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी यहां से कट गया तो मेरा फाइनल रिजल्ट जो आया वो क्या आया ए माइनस बी का हो गया। इससे क्या इससे सिद्ध हुआ कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है राइट। नेक्स्ट फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए राइट। तो इसको हम लोग सिद्ध करेंगे प्रूव करेंगे कि ये इसके बराबर होता है कि नहीं होता है इसका राइट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बेस का पावर एड हो जाएगा तो क्या होगा। तो अब सिंपल क्या करेंगे इसको भी सेपरेटली इंटू करेंगे इसे इसको पूरा इंटू करेंगे तो मिलेगा क्या ए प्लस बी प्लस सी उसी प्रकार इसे को सबको इंटू करेंगे प्लस डी ए प्लस बी प्लस सी फिर सी को भी क्या होगा प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी यहाँ तक लिखिए। उसके बाद बहुत इजी है सिंपल इंटू कर देना है इंटू कर देते हैं क्या होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी इसको लिखेंगे ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस यहाँ तक आ गए। अब इसको सेपरेट करते हैं क्या करेंगे स्क्वायर स्क्वायर को एक जगह लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसको हम एक जगह लिखेंगे राइट। उसके बाद देखते हैं सेम टर्म को प्लस कर देंगे ए बी और कहेंगे क्या ए बी क्या होगा टू ए बी ये दोनों कैंसिल ए सी ए बी हो गया ए सी हो गया इसके बाद बी सी और बी सी क्या हो गया टू बी सी उसको बचा नहीं बचा। तो
अब हम यहां से रिलेट करते हैं क्या होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे फॉर्मूला में लिखा गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए हो या ए सी हो, बात वही है क्योंकि इन टू में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका फॉर्मूला हम लोग का प्रूफ हो गया एज इट इज यहां है, राइट। आज हम लोगों ने देखा कुछ फॉर्मूलास और उसको कैसे गुणनखंड किया हुआ है, उसको स्प्लिट कैसे किया गया है और उसको प्रूव करके बताया गया कि ये इसका होता है, राइट। आप लोगों को हम सजेशन दे रहे हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूला को याद कर लीजिए ताकि कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी किसी तरह का एक्सप्रेशन हो या क्वेश्चन हो, उसको सॉल्यूशन करने में ईजी होगा, राइट।